हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्या लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हमने टॉपिक, जो चैप्टर हमने शुरू किया था, उसका नाम था कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वार्म अप क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। वैसे कैश फ्लो का एक रिविजन अगर हम करना चाहे तो करवा लेते, या क्लास के बाद करते। रुको, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते, फिर हम समझते कि मैंने ये क्यों करवाया आपसे, ये क्वेश्चन क्यों दिया था होमवर्क। आप सभी ने किया, जैसा मैंने क्लास के पहले पूछा था, आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया है। टैली वगैरह हुआ क्या? फाइनल अकाउंट बाद में आके, एनपीओ में हम कर चुके हैं ना फाइनल अकाउंट। इस तरीके का क्वेश्चन हुआ है क्या टैली? यस सर, चलो आ जाओ, थोड़ा फास्ट में सॉल्व कर दे ताकि कंसेप्ट पे जल्दी आ जाए हम। देखिए, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रांजैक्शन पढ़ना है और समझना है कि वो कौन सी बुक में जाएगा। जैसा कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹5 लाख, ये कैश बुक में जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज कैश फॉर ₹50,000 फॉर कैश, ये कैश बुक में जाएगा। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, ये कैश बुक में जाएगा। रेंट पेड कैश बुक में जाएगा। कार परचेज कैश बुक में जाएगा। सेल ऑफ गुड्स भी कैश बुक में जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश भी कैश बुक में जाएगा। सैलरी पेएबल ये जर्नल में जाएगा। डिप्रिसिएशन जर्नल में जाएगा और कमीशन रिसीवेबल जर्नल में जाएगा। बेसिकली पहले 60 ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएंगे और आखिरी के 3 ट्रांजैक्शंस जर्नल में जाएंगे, बिकॉज दीज आर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है वो जर्नल में जाएंगे, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो कहाँ जाने वाले हैं? जर्नल में। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो यस और नो, हाँ या ना। आगे बढ़ो यहाँ से। अब मेरे एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहला क्या दिया हुआ है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड फॉर ₹5 लाख, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड फॉर ₹5 लाख। पैसा आया, पैसा आया तो कैश बुक के कौन से साइड में लिखोगे, रिसिप्ट या पेमेंट? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹5 लाख, डोंट यू थिंक पैसा आया कैश बुक के रिसिप्ट साइड में आ जाएगा कैपिटल के नाम से। 5 लाख। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹50,000, परचेज किया है तो पैसा गया, गया तो पेमेंट साइड में लिख देंगे बाय परचेजेस 50,000, बाय परचेजेस 50,000। सेल ऑफ गुड्स ₹2 लाख फॉर कैश, माल बेचा है, माल बेचा है तो पैसा आया, टू सेल ₹2 लाख, टू सेल 2 लाख, पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट पे। रेंट पेड ₹1 लाख, ₹1 लाख का रेंट पे कर दिया, रेंट पे कर दिया तो पैसा गया पेमेंट साइड में बाय रेंट ₹1 लाख, बाय रेंट ₹1 लाख। बोलो हाँ या ना। कार परचेज फॉर ₹3 लाख, 3 लाख की कार खरीद ली, मेरे को बताओ कार खरीदी तो पैसा आया या गया? कार खरीदी तो पैसा आया या गया, जवाब दो। कार खरीदी तो पैसा गया बाय कार ₹3 लाख, बाय कार ₹3 लाख। सेल ऑफ गुड्स ₹7 लाख फॉर कैश, कैश में 7 लाख का माल बेच दिया तो पैसा आया, पैसा आया तो सेल के नाम से इनकम 7 लाख। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्या है उसके बाद में? परचेज गुड्स ₹6 लाख फॉर कैश, परचेज गुड्स ₹6 लाख फॉर कैश, 6 लाख का माल कैश में खरीदा, मैं खरीदा तो अगेन पैसा गया, पैसा गया तो पेमेंट साइड में लिख देंगे 6 लाख बाय परचेजेस 6 लाख पेमेंट साइड में। 7 तक हो गया, 8, 9, 10 जर्नल में जाने वाला है। क्या है? सैलरी पेएबल ₹80,000, कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट जर्नल एंट्री? सैलरी पेएबल ₹80,000, सैलरी पे नहीं किया, पेएबल है, सैलरी पे नहीं किया, पेएबल है। सैलरी पेएबल एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। सैलरी पेएबल द एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो हाँ या ना। 80,000 सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, 80,000। डेप्रिशिएट कार एट 10%, डेप्रिशिएट कार एट 10%, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 10% के हिसाब से अगर निकाला तो 3 लाख। देखो बुक वैल्यू ऑफ कार कितना है, 3 लाख, ये है ना कार, 3 लाख के ऊपर में 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन निकाल लो, कितना होता है 3 लाख पे 10% का डिप्रिसिएशन? 3 लाख पे 10% के हिसाब से 30,000। लास्ट कमीशन रिसीवेबल ₹1 लाख, क्या नहीं हो गाइस हेल्प मी विद दैट कमीशन रिसीवेबल की एंट्री क्या होंगी?
कमीशन रिसीव नहीं हुआ, कमीशन रिसीवेबल है, कमीशन रिसीवेबल है, एंट्री क्या होंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, एंट्री क्या होंगी? पढ़ चुके हैं हम एनपीओ में, भर भर के पढ़े ये। आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या होंगी? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट के डेबिट में और कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में कितना हो जाना है इसने? 1 लाख। ये हो गया हमारा जर्नल, ये हो गया हमारा जर्नल, क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या किया, जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी उससे या इधर कैश बुक और जर्नल, जो भी ट्रांजैक्शन जिस बुक में जाना चाहिए था हमने पोस्ट कर दिया, कैश बुक के ट्रांजैक्शन कैश बुक में, जर्नल के ट्रांजैक्शंस जर्नल में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फील फ्री टू आस्क। मैं आपका भाई कहाँ है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास वंस यू आर डन विद दिस, सिर्फ इतना पूछा था क्वेश्चन में कि साथ साथ में ये बोला था कि लेजर और फाइनल अकाउंट भी बनाओ, इतना पूछ के छोड़ा नहीं। क्या बोला? लेजर और फाइनल अकाउंट भी बनाओ। चलो आ जाओ लेजर बनाते हैं। लेजर का रूल याद है क्या? कैश बुक टू लेजर का रूल याद है क्या? कैश बुक टू लेजर का रूल याद है क्या? रूल क्या था, रूल क्या था? कैश बुक में डेबिट, रूल क्या था जवाब दो? कैश बुक में डेबिट तो लेजर में क्रेडिट, बराबर है? एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। अगर कैश बुक में डेबिट है, क्या बोला मैंने वापस बोलो, यदि कैश बुक में डेबिट है तो लेजर में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर कैश बुक में डेबिट है तो लेजर में क्रेडिट, अगर कैश बुक में डेबिट है तो लेजर में क्रेडिट, ठीक है? शुरू करें, कैश बुक में डेबिट तो लेजर में क्रेडिट। जैसा पहला आइटम पढ़ोगे तो कैपिटल है, पहला पहला आइटम पढ़ोगे तो कैपिटल है, कैपिटल वहाँ डेबिट है, कैपिटल वहाँ डेबिट है, बोलो वहाँ डेबिट है, तो यहाँ एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा कैपिटल, और कैपिटल के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश 5 लाख, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट 5 लाख, हाँ या ना, यस और नो? पक्का? अगला क्या है? सेल, सेल वहाँ क्रेडिट है, अब वहाँ डेबिट है, वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा बाय कैश 2 लाख। और जी याद आया क्या, एनपीओ में किया है हमने भर भर के, यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, सेम सेल अकाउंट वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट वापस 7 लाख, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, परचेजेस वहाँ क्रेडिट, नया अकाउंट बन जाएगा परचेज, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट 50,000, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, रेंट वहाँ क्रेडिट, रेंट वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट 1 लाख, कार वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट 3 लाख, परचेजेस वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट 6 लाख। ये समझा क्या बेटा, ये समझा क्या बेटा, हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो? जो नॉर्मल हम अब तक के कैश बुक के नियम के हिसाब से बनाते थे, जो हम कैश बुक के नियम के हिसाब से बनाते थे, कैश बुक से लेजर, कैश बुक से लेजर, इसको क्या बोलेंगे हम? कैश बुक से लेजर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जर्नल पोस्टिंग, किसकी पोस्टिंग? जर्नल पोस्टिंग। जर्नल में क्या दिया हुआ है? सैलरी अकाउंट डेबिट। जर्नल का पोस्टिंग याद है क्या? रूल क्या था? डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में, अधिक जानकारी के लिए आया कहां से, बराबर है? रूल क्या था? डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में, अधिक जानकारी के लिए आया कहां से? आया ना, जो सबसे पहला अकाउंट है सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट है नहीं, बना लो सैलरी अकाउंट डेबिट, ये रहा सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट के डेबिट में 80,000, अधिक जानकारी के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है? फिर अगला क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? डोंट यू थिंक आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ओपन हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के क्रेडिट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के क्रेडिट में कितना लिख देंगे हम? 80,000, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे बाय सैलरी, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो?
अगला क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया 30,000 से, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है बना लो। डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में टू कार के नाम से 30,000। कार अकाउंट क्रेडिट, कार अकाउंट तो ऑलरेडी है ना, कार अकाउंट के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन 30,000, बाय डेप्रिसिएशन 30,000। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़े, कार के बाद में अगला आइटम क्या है, आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन डेबिट नहीं है, बना लो। आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अधिक जानकारी के लिए टू कमीशन। कमीशन अकाउंट क्रेडिट, कमीशन अकाउंट ये रहा, कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन 1 लाख, दैट्स इट। अभी गाइस डन विद जर्नल का पोस्टिंग। पहले हमने कैशबुक का पोस्टिंग किया, पहले हमने कैशबुक का पोस्टिंग किया, देन जर्नल का पोस्टिंग किया, अब लास्ट में क्या है, कैशबुक हो गया, जर्नल हो गया, अब क्या बनाएंगे हम, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में चलो लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग ईच एंड एवरी अकाउंट। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल। 5 लाख का बैलेंस आ रहा है, फाइनल अकाउंट में वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेट्स से ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट हम बना रहे। पहला आइटम है 5 लाख, कैपिटल का बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे। अच्छा आपको रूल याद है क्या, आपको रूल याद है क्या, एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो, आपको रूल याद है क्या, फाइनल अकाउंट का रूल मैंने एक बताया था, फटाफट बनाने का, एक एनपीओ के टाइम पे रूल बताया था, क्या बोला था, यहाँ डेबिट रूल क्या बोला था हमने, लेजर में डेबिट है तो फाइनल अकाउंट्स में, जवाब दो, वही रूल से बना लूँ, फास्ट बन जाएगा। लेजर में डेबिट है तो फाइनल अकाउंट में क्रेडिट होगा, हाँ या ना, और लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड, एसेट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ऐसा ही था ना जैसा ये, यहाँ हाँ या ना, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, याद आया क्या। अगर वहाँ डेबिट है, कैपिटल अकाउंट वहाँ डेबिट है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट कैपिटल के नाम से 5 लाख, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट कैपिटल के नाम से 5 लाख। सेल अकाउंट को बैलेंस करो 9 लाख, वहाँ डेबिट, सेल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, जवाब दो, सेल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, सेल डायरेक्ट है ना, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। परचेजेस 6,50,000, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में। ये समझ रहा है क्या क्या कर रहे हैं हम, फाइनल अकाउंट्स में फिगर्स ले जा रहे हैं, हम फाइनल अकाउंट्स में फिगर्स ले जा रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। अगला है आपका रेंट, रेंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, 1 लाख, वहां क्रेडिट, वहां क्रेडिट, यहाँ डेबिट टू रेंट के नाम से 1 लाख। कार अकाउंट का बैलेंस है 2,70,000, वहां क्रेडिट, वहां क्रेडिट, तो यहाँ डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2,70,000। सैलरी 80,000, वहां क्रेडिट, यहाँ डेबिट 80,000। सैलरी के बाद अगला है आउटस्टैंडिंग सैलरी, वहाँ डेबिट 80,000, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी। डिप्रिसिएशन 30,000, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, डिप्रिसिएशन बाल पी एंड एल में आ जाएगा 80,000, सॉरी 30,000। आउटस्टैंडिंग कमीशन 1 लाख, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, वहाँ क्रेडिट इफेक्ट आया तो यहाँ डेबिट इफेक्ट आएगा। कमीशन वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंड या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, जमता है यहाँ तक, बोलो जमता है यहाँ तक, हाँ या ना, यस और नो, बड़े आगे यहाँ से। अगला है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करना। करो तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस करो, कितना आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस, 3 लाख, 2,50,000, दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेट प्रॉफिट, इसको बैलेंस करूंगे तो नेट प्रॉफिट है 1,40,000, इसको यहाँ लेके आ जाओ।
अब जब इसको टैली करूंगे ना, टैली नहीं हो रहा ये, है ना। ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट कैपिटल में एडजस्ट हो गया, बट जब आप फाइनल अकाउंट को बैलेंस करोगे तो बैलेंस नहीं हो रहा है। लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 7,20,000, बट एसेट साइड की टोटल आ रही है 3,70,000। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। क्यों आ रहा है डिफरेंस, कोई बता सकता है क्या? कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट इज एज गुड, कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट, तो इसको भी बैलेंस करना जरूरी है। इसका बैलेंस है 3,50,000 रुपये, ठीक है, इसको भी बैलेंस करना जरूरी है। ये एक्सीडेंट पॉइंट मैंने बचपन में पढ़ाया था, एनपीओ में बार बार चीख चीख के बार बार बोला था कि सब लेना भूल जाऊंगे, सब ले लोगे बस कैश अकाउंट लेना भूल जाऊंगे आप, तो वही है, कैश अकाउंट का बैलेंस आना चाहिए था 3,50,000। डन डन, यहाँ तक समझा क्या बेटा? यस और नो में जवाब दो, और सिंपल यस और नो। जो हमने पूरा किया है, हमने कैश बुक से जर्नल यानी कैश बुक और जर्नल साथ में बनाई, ये पोस्टिंग वोस्टिंग तो ठीक है, मेरे को पता है आप लोग कर लिए होंगे, अब किए क्यों ये समझो। हमने कैश बुक और जर्नल बनाई, उसकी मदद से लेजर बनाए, और उसकी मदद से हमने फाइनल अकाउंट बनाया। एक बार आंसर देख लो, एक बार आंसर देख लो, किसी को कोई एडजस्टमेंट में, कोई पोस्टिंग में, कहीं भी कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लो। एनी डाउट? नहीं है तो चैट में नो डाउट करके लिख देना, अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो चैट में नो डाउट करके लिख देना। हाँ जी, नहीं है कोई डाउट? चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब जो मैं बोल रहा हूँ उस पर प्लीज़ ध्यान देना। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता क्या है, किया क्या जाता है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना वो आपको फाइनल अकाउंट दे देगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो आपको क्या दे देगा, फाइनल अकाउंट दे देगा, और बोलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बताओ, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बताओ। बहुत बारीक है मुझे पता है, बट आपको पता है कहाँ कहाँ क्या क्या पोस्टिंग है करके, ठीक है। वो आपको फाइनल अकाउंट दे देगा और बोलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। अब हो सकता है फाइनल अकाउंट, अगर मैं कंपनी के फाइनल अकाउंट की बात करूँ तो कंपनी के बुक्स में ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है? कंपनी के बुक में ट्रेडिंग पीएनएल नहीं रहेगा, क्या रहेगा उसकी जगह, जवाब दो एक बार फटाफट। कंपनी के बुक्स में क्या रहेगा, जवाब दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश एंड वो सारी फलाना ढिलकाना कहानी रहेंगी, ठीक है। अब वो आपको क्या बोलेगा, ये आपको दे देगा और बोलेगा जस्ट कैलकुलेट, जस्ट स्टेट वेदर देयर इज एन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो आउटफ्लो कितना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। तो तब आपको क्या करना है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी रहती है, तब आपको क्या करना है मालूम है क्या, आपको फाइनल अकाउंट्स की मदद से, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पाउसर जाता है, आपको फाइनल अकाउंट्स की मदद से पूरे लेजर अकाउंट बनाने हैं। क्या बोला मैंने, आपको फाइनल अकाउंट की मदद से पूरे लेजर अकाउंट बनाने, और फिर लेजर अकाउंट की मदद से कैश बुक बनानी है। क्या करना है एग्जाम में, आपको समझा क्या, आपको ये दिया रहेगा, आपको ये दिया रहेगा, और आपको उल्टा जाना है। आपको अगर याद होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एनपीओ में हमको ये दिया रहता था, हमको कैश बुक दिया रहता था, ध्यान से सुनना, एनपीओ में हमको क्या दिया रहता था, हमको कैश बुक दिया रहता था, एनपीओ में हमको कैश बुक दिया रहता था, और कैश बुक की मदद से हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, याद है क्या, कैश बुक और एडजस्टमेंट एंट्रीज दी रहती थी, एडजस्टमेंट एंट्रीज से हम जर्नल पास करते थे, कैश बुक और जर्नल से हम फाइनल अकाउंट बनाते थे। अब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या रहेगा, आपको इनकम स्टेटमेंट दिया रहेगा, बैलेंस शीट दी रहेंगी, क्या क्या दिया रहेगा, इनकम स्टेटमेंट दिया रहेगा और बैलेंस शीट दी रहेंगी, और बोलेगा कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। और आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैश बुक इज एज गुड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ना कैश बुक इज एज गुड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, फर्क है, फर्क है, क्या फर्क है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, बट इट कैन वर्क ना, एज गुड एज बोलू तो चलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैश बुक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट इट इज एज गुड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमको रिवर्स कैलकुलेशन करके ना पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, यानी पूरी कैश बुक बनानी है।
सर वो कैसे बनेगा क्या बनेगा वो सिखाने के लिए मैं हूँ, डोंट वरी, वो कैसे बनेगा क्या बनेगा वो सिखाने के लिए मैं हूँ, बट करना क्या है वो समझा क्या, करना क्या है वो समझा क्या, बोला हाँ या ना। देखो रूल सिंपल रहेगा, देखो रूल सिंपल है, हमने जब लेजर से फाइनल अकाउंट बनाया, 2 मिनट सुन ले, हमने जब लेजर से फाइनल अकाउंट बनाया तो हमने क्या बोला, यहाँ डेबिट कैपिटल वहां डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट ना, कैपिटल वहां डेबिट तो यहाँ क्रेडिट किया ना। अब जब आप यहां से वहां जाओगे तो क्या बोलोगे, यहाँ क्रेडिट, क्या बोलोगे, यहाँ क्रेडिट तो वहां, जैसा कि यहां से देखते परचेजेस यहाँ डेबिट है, परचेजेस यहाँ डेबिट है तो वहां क्या हुआ होगा, ये देखो क्रेडिट, सेल्स यहाँ क्रेडिट है तो वहां क्या हुआ होगा, ये देखो सेल्स यहाँ डेबिट है, ग्रॉस प्रॉफिट तो छोड़ दो तो बैलेंस है, कमीशन यहाँ क्रेडिट है तो वहां क्या हुआ होगा, डेबिट, ये रहा, रेंट यहाँ डेबिट है तो वहां क्रेडिट हुआ होगा, सैलरी यहाँ क्रेडिट है तो वहां डेबिट हुआ होगा, सैलरी सैलरी ये रहा, सॉरी यहाँ डेबिट है तो वहां क्रेडिट, ये यहाँ डेबिट है तो वहां क्रेडिट, कहाँ आ गया ये, तो ये जितने हाईलाइटेड है वो लेके आ गए हम, ये भी ला लो, कार यहाँ डेबिट है तो वहां क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट है तो वहां क्रेडिट, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, कैश ये तो बैलेंसिंग फिगर करके निकलती है वो छोड़ दो अभी के लिए, ये 80,000 यहाँ क्रेडिट है तो वहां डेबिट है। अब इस तरीके से आपके सारे लेजर अकाउंट ओपन हो जाएंगे, जितने भी येलो कलर से हाईलाइटेड है लेजर अकाउंट ओपन हो गए, फिर दिमाग लगाना पड़ता क्या कि सैलरी, 1 मिनट, ये 80,000 ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो सैलरी में 80,000 का बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस है, जवाब दो क्लोजिंग है ना। अब दिमाग लगाना पड़ता कि भाई सैलरी में 80,000 का बैलेंस अगर आया है तो क्या हुआ होगा, हमारी इस साल की सैलरी इनकर्ड हुई होंगी, हमारी इस साल की सैलरी इनकर्ड हुई होंगी, इनकर्ड हुई होंगी तो या तो मैंने पे किया होगा, या तो मैंने पे किया होगा, या तो पेएबल होंगी, एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ता, फिर एडजस्टमेंट में लिखा रहता है ये 3 एडजस्टमेंट्स में दिए रहेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना नीचे की 3, सैलरी पेएबल डिप्रिसिएशन और कमीशन, वो 3 एडजस्टमेंट में दी रहेंगी, अगर एडजस्टमेंट में दिया है सैलरी पेएबल तो फिर समझ में आएगा कि भाई ये जो 80,000 है ना ये पूरा कैश में पे नहीं किया है, पेएबल है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे ये रेंट 1 लाख रुपए, ये रेंट के दिख रहे क्या 1 लाख रुपए, मेरे को बताओ 1 लाख रुपए खड़े खड़े रेंट ऐसे ही बढ़ गया होगा कि हमने पे किया होगा, ये जो 1 लाख रुपए का रेंट है ये खड़े खड़े बढ़ गया होगा कि हमने पे किया होगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा वो हमको निकालना पड़ता, अज्यूम करना पड़ता कि बैलेंसिंग फिगर कैश है, जैसा 6,50,000 का परचेजेस है ये बैलेंसिंग फिगर हमारे लिए कैश हो जाएंगी, ये 9 लाख बैलेंसिंग फिगर कैश, अनलेस क्रेडिट सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो अगर क्रेडिट सेल के बारे में नहीं दिया है तो मान लेना पूरा कैश सेल है, क्रेडिट सेल के बारे में नहीं है तो क्या, तो आपको नहीं लगता ऐसे कर करके आपको कैश की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा कर करके आप कैश की इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हो, बोलो हाँ या ना। तो ऐसा ढूंढ ढूंढ के, ढूंढ ढूंढ के हम कैश की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ऐसा ढूंढ ढूंढ के हम कैश की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उसकी मदद से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। भाई कैश फ्लो में अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ना, तो वो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश की इन्फॉर्मेशन फाइनल अकाउंट से ढूंढ के निकालना इज कैश फ्लो, प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बहुत से शॉर्टकट्स है, डोंट वरी, इतने सारे लेजर मैं नहीं बनवाऊंगा, बहुत सारे शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग है, बट ओवर द पीरियड हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, ओवर द पीरियड हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। ये समझा क्या यहाँ तक, ये समझा क्या यहाँ तक बेटा, करना क्या है, ये क्वेश्चन को मैं बेस बना के रखूंगा आपको बार बार दिखाने के लिए, बार बार समझाने के लिए, देखो ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे या ऐसा करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा देखो अब हम शॉर्टकट लगा रहे, अब हमने शॉर्टकट में निपटाया, अब हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, मैं बाद में वो भी बताते चलूंगा आपको, मैं वो भी बताते चलूंगा, बट एक चीज ध्यान रखना, एनपीओ में भी अगर आपको याद होगा तो डे 1 में आपको लगा था हाय तौबा इतने लेजर बनाने हैं क्या, धीरे धीरे कम करवा दिया था ना मैंने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शुरुआत में मेरे पे भरोसा रखना, शुरुआत में आपको लगेगा सर हमको स्कूल में इतने लेजर नहीं बनवा रहे, कॉलेज में हमको इतने लेजर नहीं बनवा रहे, आप इतने लेजर अकाउंट क्यों बनवा रहे हो, शुरुआत में मेरे पे विश्वास रखो, थोड़ी मेहनत लगेंगी आपको बट शॉर्टकट बाद में हम लगाएंगे ना, शुरुआत में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, शुरुआत में आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्लियर है क्या यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। हाँ मैं करवाता हूँ अपडेट कल, मेरे को दो, कल का दिन संडे है, कल बैठ के मेरे को कुछ कैलकुलेशंस करने हैं आपका, आपका फीस पेड है, सभी बच्चों का फीस क्लियर है,
अगर है तो बहुत बढ़िया, मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ, ऐप का एक्सेस दे देता हूँ जहाँ बैकअप देख पाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझाए क्या, यहाँ तक समझाए क्या, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ये समझाए क्या, टॉपिक पे वापस आ जाओ, यहाँ तक समझाए। अब मैं आपको बता दूँ, जो हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में, एक बार मैं सारी चीज़ें वापस वहाँ पर भी ले जाकर कनेक्ट करवा देता हूँ कि करना क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या हम इतना रिवर्स कैलकुलेशन करके हम कैश बुक बनाएंगे कि समरी इन डिवाइडेड इंटू थ्री फॉर्मेट? हमको वापस कैश बुक नहीं बनानी है, हमको वापस कैश बुक नहीं बनानी है, हमको समरी बनानी है इन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में डिवाइड करते हुए। हम कैश बुक नहीं बनाएंगे, रिवर्स कैलकुलेशन में भी कैश बुक नहीं बना रहे, रिवर्स कैलकुलेशन में वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब याले केस में अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करके यहाँ तक पहुँच भी गया, एक मिनट, याले केस में अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन करके यहाँ पहुँच भी गए, किधर गया, याले केस में यदि हम रिवर्स कैलकुलेशन करके अगर यहाँ तक पहुँच भी गए, तो क्या हम कैश बुक बनाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट? मतलब बेसिकली ये जो है कैश बुक, इसको हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको डिवाइड करेंगे कौन सी एक्टिविटी के अंदर में, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जैसा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कौन सी एक्टिविटी हो जाएंगी, फाइनेंसिंग, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल 5 लाख, सेल ऑपरेटिंग सेल, बट टोटल 2 + 7 कितना लिख देंगे यहाँ पे, 9 लाख, परचेजेस लेस परचेज ऑपरेटिंग, परचेज ऑपरेटिंग है 50 + ये 6 लाख, तो ये हो जाएगा 6,50,000। रेंट ऑपरेटिंग है लेस रेंट 1 लाख, कार परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कार परचेज लेस हो जाएगा 3 लाख, तो ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी टोटल आउटर कॉलम में ले जाओ, 9 लाख - 6,50 - 1 लाख करो, कितना होता है, 9 लाख - 7,50, समवेयर अराउंड 1,50,000 होता है। हाँ या ना में जवाब दो। ये 3 लाख माइनस है, कार परचेज 3 लाख का आउटफ्लो है माइनस, ये 5 लाख का इनफ्लो है कैपिटल के, इसको प्लस माइनस करो कितना आ रहा है, 1.5 लाख - 3 लाख + 5 लाख, तो आपको नहीं लगता आंसर, अल्टीमेटली आंसर इज 3,50,000। दिस इज कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, 3,50,000 इज कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने क्या कैश बुक बनाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, रिवर्स कैलकुलेशन करके हमने कैश बुक बनाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया? हमने कैश बुक नहीं बनाया, हमने कैश बुक नहीं बनाया, हमने क्या बनाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमने क्या बनाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना, बोलो यस नो, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा है, हमको कैश बुक नहीं बनाना है, रिवर्स कैलकुलेशन करके हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और जैसा कि आपको अगर बचपना याद होगा हमारा, तो हमने क्या पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक विच विल गोइंग टू स्टेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश विच विल बी डिवाइडेड इंटू थ्री एक्टिविटी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और ये तीन एक्टिविटी में क्लासिफिकेशन कैसा होता है, इसकी भी मैंने हिंट दिया था। इन्वेस्टमेंट्स पकड़ा आपने, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट पकड़ा, तो फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट विल बी क्लासिफाइड अंडर, फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट विल बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैपिटल एंड डेट विल बी क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी विल बी क्लासिफाइड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जमेगा यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये बाउंसर जाएगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ, क्लास ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के दो तरीके हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के दो मेथड है, एक मेथड है डायरेक्ट, एक मेथड है इनडायरेक्ट। क्या बोला मैंने, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो मेथड है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के कितने मेथड है बोल रहा हूँ मैं, दो, एक मेथड है डायरेक्ट, एक मेथड है इनडायरेक्ट। वापस बोलो मैंने क्या बोला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो एंड आउटफ्लो निकालने के कितने मेथड है बोला मैंने, दो, एक है डायरेक्ट एक है इनडायरेक्ट, एक मेथड है डायरेक्ट एक मेथड है इनडायरेक्ट। क्या है ना, स्टूडेंट बाद में ओवर द पीरियड ना क्या गड़बड़ करते मालूम है क्या, स्टूडेंट ओवर द पीरियड क्या बोलने लगते पता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। मैंने एक चीज बताऊं, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब ये तीनों एक्टिविटी है ना, ऑपरेटिंग
और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के मेथड है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो मेथड है। देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो मेथड है दैट इज द मेथड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉट दैट इज द मेथड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज नॉट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज नॉट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है क्या यहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट की नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मेथड है वो कैश फ्लो की नहीं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज टू मेथड्स, वन मेथड इज डायरेक्ट एंड अनदर मेथड इज इनडायरेक्ट। आपके कोर्स में इनडायरेक्ट ही है, मैं आपको ये भी हिंट दे देता हूँ, मैं आपके कोर्स में यही है, हम जो हमारा CBSE में पढ़ने वाले वो ये वाला मेथड पढ़ने वाले, 12 CBSE में जो हम पढ़ेंगे हमारे कोर्स में यही मेथड है, आपके कोर्स में यही है, डायरेक्ट पे क्वेश्चन आता नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टीच यू डायरेक्ट मेथड, एक बार बता दूंगा क्योंकि लॉजिक पूरा डायरेक्ट मेथड में, ये वाला जो लॉजिक है ना, ये जो अभी हमने लॉजिक पे बहस की इतनी, ये पूरा लॉजिक डायरेक्ट मेथड में, रिवर्स कैलकुलेशन एवरीथिंग ये डायरेक्ट मेथड में लॉजिक है। मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा, डायरेक्ट मेथड का शॉर्टकट भी बता दूंगा, और बाद में वो है नहीं कोर्स, मत पहले ही दिमाग में बैठा के रखना। डायरेक्ट मेथड सबसे लंबा मेथड है, डायरेक्ट मेथड इज द लेंदीएस्ट मेथड, बट वो लेंदी मेथड का भी शॉर्टकट मुझे पता है, जो मेरे अलावा शायद ही कोई पढ़ाएगा डायरेक्ट मेथड का, लेंदी मेथड का शॉर्टकट वो भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं वो भी बता दूंगा आपको कि ऐसा ऐसा भी करो तो डायरेक्ट मेथड भी आसानी से सॉल्व होती है, डायरेक्ट मेथड में भी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा मैं। डायरेक्ट है नहीं हमारे कोर्स में, डायरेक्ट है नहीं हमारे कोर्स में, बट ठीक है, यहाँ तक समझा क्या मैंने क्या बोला? तो मेरे को बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के दो मेथड है? जवाब दो फटाफट। कैश फ्लो के दो मेथड नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो मेथड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड नहीं है, और दोनों से आंसर सेम ही आता है, दोनों से आंसर सेम ही आता है, अलग नहीं आएगा, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आने वाला है, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आने वाला है। अब वो मेथड क्या है और कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। छोटा छोटा क्लास रखेंगे शुरुआत में, हम बहुत बड़ा क्लास लेके मैं आपको बहुत सारी चीज़ों से बर्डन नहीं करना चाहता हूँ, छोटे छोटे सेशंस रख रहा हूँ मैं शुरुआत में, सो दैट कि जस्ट गेट अकस्टम विथ कि हम कर क्या रहे हैं, गेट अकस्टम विथ कि हम कर क्या रहे हैं। पहले दिन हमारा डिस्कशन हुआ कि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज़ एज गुड एज कैश बुक, बट सर अगर हमने कैश बुक बनाई है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्या है? तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक जो रिसिप्ट एंड पेमेंट भी है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में और रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक छोटा सा फर्क है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, और हम अभी बात कर रहे हैं वही ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो तरीके हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब वो बनाते कैसे क्या है उसका ओवर द पीरियड डिस्कशन हम आने वाले सेशंस में धीरे 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 करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। आपको क्या दिया रहेगा? बेसिकली यू विल बी प्रोवाइडेड विद फाइनल अकाउंट्स, और आपको बोलेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे, इसके आगे हम मंडे कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट? डू हैव एनी डाउट? नहीं है तो बोल दो, हम मंडे कंटिन्यू करेंगे, नो डाउट। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।